तो हम आगे एक और नई वीडियो में माइनक्राफ्ट ऑल द मॉड्स वोल्केनो ब्लॉक में ये एक नया मैप लॉन्च हुआ है अभी, जो कि ऑल द मॉड्स 8 के स्काई ब्लॉक की तरह है, बस ये वोल्केनो ब्लॉक में है। तो इसी सीरीज़ को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें सर्वाइव करेंगे, अपग्रेड करना है खुद को इसी वोल्केनो ब्लॉक पे ही, और बॉसेस को भी हराना है। तो मैं यहाँ पे स्पॉन हो गया हूँ, इसका ये स्पॉन आइलैंड है, सर्वर का स्पॉन आइलैंड। तो अभी यहाँ से चलते हैं और अपना पहले तो मैप क्रिएट करते हैं। ये वोल्केनो ब्लॉक का स्पॉन एरिया बना रखा है, जहाँ से हम अपना मैप क्रिएट कर सकते हैं, जिस सर्वर में होता है उसी तरीके से। तो अंदर का ये है कुछ, और यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये सर्वर का स्पॉन आइलैंड है और इस वाली कमांड से स्काई ब्लॉक स्लैश स्काई ब्लॉक GUI से हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत और इसकी डिटेल्स दी हुई हैं जिनको कोई नहीं पढ़ता। और अभी हमें क्रिएट करना है अपना ये मैप, तो उसके लिए लिखना है स्लैश स्काई ब्लॉक GUI। तो यहाँ पे हमारे पास एंटर करते हैं तो ये इंटरफेस आता है, यहाँ से हम अपना क्रिएट न्यू टीम करते हैं। तो हम अपना आइलैंड क्रिएट करते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका नाम रख देते हैं ATM वोल्केनो ब्लॉक, क्योंकि हम वोल्केनो ब्लॉक में ही खेल रहे हैं ऑल द मॉड्स को। और इसमें हम मैप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लार्ज शिप, ये लाइफ फार्म और ये लावा बंकर, चार मैप है इसमें टोटल, स्मॉल शिप, लार्ज शिप, ये वाला मैप और लावा बंकर। तो हम अभी लावा बंकर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है, सिर्फ फैक्ट्री से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो लावा बंकर को भी क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट हो गया हमारा मैप और हम स्पॉन हो गए इस एरिया में। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ट्री मिला है, एक यहाँ पे एक और सैपलिंग, एक बेड और थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं बस। ये ट्री है और अगर ऊपर जाके देखे तो यहाँ पे चारों तरफ लावा ही लावा है और कुछ नहीं है ज़्यादा वहाँ पे, पता नहीं क्या है। अभी चलते हैं वापस। और अभी हमें ट्री को तोड़ना है सबसे पहले, तो ट्री को तोड़ते हैं अभी। ये टूट गए हैं और अभी इससे बनाते हैं प्लैंक और एक क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी सी स्टिक्स। अभी क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करते हैं यहाँ पे और इससे बनाते हैं क्रूक, ये क्रूक बना लेते हैं इससे, और आगे कुछ नहीं बनेगा कंप्रेस वाला, तो यही बनाते हैं। और अभी इससे तोड़ते हैं हम लीव्स को, तो लीव्स के जो ड्रॉप्स रेट है वो बढ़ जाएंगे, नॉर्मल से ज़्यादा हमें सैपलिंग्स और ड्रॉप मिलेंगे। और अभी इनको भी तोड़ लेते हैं वुड्स को। और अभी हमें इस सैपलिंग को लगाना है और इसको क्राउच क्राउच करके ग्रो करते हैं, और जो ये हमारे पास कीड़े हैं इनको इसमें लगा देते हैं। तो ये लीव्स को कन्वर्ट कर देंगे इन्फेस्टेड लीव्स में, जिनसे हमें स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। ये कन्वर्ट हो गए हैं और अब इनको तोड़ते हैं तो हमें मिल जाएंगी स्ट्रिंग्स बहुत सारी,
जिनका आगे यूज होने वाला है। हमें और अभी ये क्वेस्ट थोड़े से स्टार्ट करते हैं। ये इसकी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे, ये डिटेल्स। इनको टिक करते हैं पहले, तो इससे हमें थोड़ा सा एक्सपी मिल जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। और अभी चलते हैं हमारे मेन क्वेस्ट की तरफ। ये रहा, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा मेन क्वेस्ट। ये और आगे की चीज़ें मैंने ये भी कलेक्ट कर लिए, तो इनका रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं जल्दी से। और अभी हमें बनाना है एक बैरल जिसमें बन जाएगी हमारी डर्ट। इस तरीके से कैसे बन जाएगी बैरल, तो अभी बनाते हैं बैरल। उसके लिए पहले स्लैब्स, थोड़े से प्लैंक्स और बनाते हैं, और अभी बैरल बन जाएगी हमारी। बैरल भी तैयार है और इसको भी प्लेस करते हैं। तो इसमें अगर कोई भी चीज़ डालेंगे हम, सैपलिंग या कुछ भी, एक कीड़े भी डाल सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे डर्ट में। ये डल गया और अभी थोड़ी देर में ये कन्वर्ट हो जाएगा डर्ट में। बन गई हमारी डर्ट। ये क्वेस्ट भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया। और अभी हमें बनाना है ये क्रूशिबल जिसमें बनेगा हमारा पानी। क्रूशिबल बनाते हैं अभी और इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे। इसमें डालेंगे जब हम सैपलिंग्स, तो ये पानी बना देगा। इसका पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और हम अभी डर्ट पे जब शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, तो इससे हमें कुछ पेबल्स मिल जाएंगे, स्टोन के, ब्लैक स्टोन के और बहुत सारी चीज़ों के। तो इनको हम इस तरीके से कबल स्टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट है, कंट्रोल के दबाते हैं जब इस पर, तो ये और भी फास्ट कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये भी हो गया है टास्क, पेबल्स वाला भी। और अभी हमें बनाना है एक हैमर। हैमर के लिए दो स्टिक्स और किसी की भी का भी चीज़ का बना सकते हैं, स्टोन का, ग्रेव या फिर ये जैसे हमने बनाया ग्रेनाइट का। और अभी रखते हैं इनको यहाँ पे कबल स्टोन्स को, तो इनको तोड़ेंगे हैमर से, तो हमें मिल जाएगा ग्रेवल। और ग्रेवल को तोड़ने से मिलेगी सैंड, और सैंड को जब तोड़ेंगे तो उससे मिल जाएगी हमें डस्ट। वही बेसिक चीज़ है स्काई ब्लॉक में, जो मॉडेड स्काई ब्लॉक में वही होती है। ये टास्क भी कंप्लीट। और अभी बनाना है हमें एक सीव और एक स्ट्रिंग मैश जिससे हम ग्रेवल को छानेंगे, ग्रेवल को या डर्ट को, तो उससे हमें रिसोर्सेस मिल जाएंगे। और इसमें एक और चीज़ है, हम ये बहुत सारे मैश एक साथ रख के इनको भी एक साथ सबको काम करवा सकते हैं। और अभी इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग मैश को फ्लिंट मैश में, तो हमें और ज़्यादा ड्रॉप मिलेंगी। तो इसमें पानी बन रहा है अभी, और पानी को हमें डालना है इसमें। और जब इसमें हम डस्ट डालेंगे पानी में, बैरल में, तो ये बन जाएगा क्ले। और क्ले से हमारा बन जाता है क्ले बॉल। और ये क्ले बॉल को कन्वर्ट कर देंगे अभी इसमें, क्ले की बकेट में। क्ले की बकेट से गर्म हो गया, क्ले बकेट बन जाएगी।
और इससे हमारा बन जाएगा भी ये कबलस्टोन जनरेटर, टायर वन का। एक बनाते हैं ओक ड्रावर, कबलस्टोन जनरेटर को यहाँ और ओक ड्रावर को ऊपर लगाते हैं। हमारा कबलस्टोन जनरेटर तैयार हो गया ऑटोमेटिक, तो आज काम हमारा हो गया है। कबलस्टोन जनरेटर बन गया है और स्टार्टिंग कर दी है हमने सीरीज की, सी बन गया है बेसिक बेसिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और एपिसोड में।